लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई वासी के प्रभाग 64 में आज समाजसेवी एडवोकेट नीलेश भोजने और उनकी टीम ने जरूरतमंद नागरिकों को खाद्यान्न किट का वितरण किया। इस अवसर पर बीजेपी के कई स्थानीय नेता और बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। बीते हफ्ते हजारों नागरिकों के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा चुके समाजसेवी एडवोकेट नीलेश भोजने ने कहा कि लॉकडाउन के कारण तमाम लोग आर्थिक संकट में हैं। ऐसे में लोक नेता गणेश नाइक के मार्गदर्शन में जरूरतमंद नागरिकों को राशन किट का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह राहत देने की एक छोटी सी कोशिश है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने कारोबार और नौकरी पेशा लोगों की हालत खराब कर दी है। ऐसे दौर में लोक नेता गणेश नाइक के मार्गदर्शन में नवी मुंबईकरों के लिए मुफ्त खाद्यान्न सेवा चलाई जा रही है। आज इस मदद अभियान के अंतर्गत समाजसेवी एडवोकेट नीलेश भोजने और उनकी टीम ने वासी के प्रभाग 64 में 500 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राशन किट बांटा। एडवोकेट नीलेश भोजने ने कहा कि लॉकडाउन की इस मुसीबत में राहत दिलाने आज उन्होंने वासी सेक्टर 4 की अंगारिका और अष्टविनायक बिल्डिंग के रहवासियों को यह राशन किट बांटी है। उन्होंने कहा कि 1000 परिवारों को खाद्यान्न बांटने का लक्ष्य है। एडवोकेट नीलेश भोजन ने राशन देने के उपक्रम को राहत देने की कोशिश बताया। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज हम लोग अष्टविनायक अंगारिका सेक्टर 4 में आए हैं। इसके पहले ESI सेक्टर 5, बी टाइप, B1 टाइप सेक्टर 6, ए टाइप सेक्टर 1 है। ये करते हुए आज हम लोग अंगारिका अष्टविनायक में आए हैं। आज का हमारा टारगेट करीब 300-350 लोगों का है, तो वो हमने अन्नवाटप धान्यवाटप किया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरे साथ जो मेरे सहकारी हैं सारे, राजेश शेट्टी साहब, अंशुवर्धन, सामुद्रे, बचाव, शरद चौधरी, आजम भाई, सलीम भाई, जितने भी लोग हैं इनका साथ हमेशा मुझे मिलते आ रहा है ये सब कामकाज में। और इसलिए जो लोगों को देते हुए जो आनंद मिलता है हमको, गणेश नाइक साहब चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से, जो नाइक साहब का फीड फॉर द नीडी, 111 वार्ड में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, ये जो देह है ये करते हुए बहुत खुशी होती है। और एक 8 दिन चलेगा ये, बारिश का भी कोई ठिकाना है नहीं, कब बारिश आ जाए, तो वो हिसाब से हमको वो नज़रअंदाज करते हुए देखते हुए आगे चल रहे। वहीं स्थानीय नागरिकों ने लोक नेता गणेश नाई के मार्गदर्शन में मदद अभियान चलाने वाले एडवोकेट नीलेश भोजने की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले फ्री कोरोना वैक्सीन और अब राशन की मदद देकर एडवोकेट नीलेश भोजने सही मायने में लोक सेवा का अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने मदद के लिए भी आभार जताया। अभी हम लोग ने अभी 750 लोग का अभी वाटअप किया है अपना ये वार्ड में से। ये वाटअप करते ना आपको एक बात बोलता हूँ कि माननीय गणेश भाई साहब, इन्होंने जो अपना ध्येय रखा है वो पूरा करना हमारा काम है। हर पब्लिक के घर घर में जाके हम लोग दे रहे, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है एकदम नाजुक और बोले एकदम बेहतर, ऐसा परिस्थिति में जाके हम लोग मिलके पब्लिक को मिलके उनका राय भी ले रहे, उनका मनोकर भी राय, जैसा उन्होंने अभी एक बांटते रहे, एक ने बोला कि जैसा आपने अनाज बांट रहे वैसा हमारे नौकरी के लिए भी कुछ, तो आप एक कैंप लगाइए, कुछ ऐसा एक मुहिम कीजिए कि हम लोग को अनाज मिल जाए तो ठीक है, नौकरी मिल जाएगी, हमको एक दूसरे एक राय मिल जाएगी, हमको किधर से एक रास्ता मिल जाएगा कि हमको कहाँ से तो एक आवक आना चालू हमारा है। गणेश नायक साहेबांबद्दल खरंच ते गोरगरीब म्हणजे काय वरे, आणि ते भोजनी साहेबांच्या सहकार्यातून इथं जे धान्य वाटप चाललं आहे ते खूप गरजेचं आहे आजच्या कोरोनाच्या काळामध्ये, कारण बऱ्याच जणांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत, काहींच्या कमी झालेल्या आहेत, पगार पाणी येत नाही आहे, त्याच्यामुळे हा थोडासा तरी आसरा त्या कुटुंबाला मिळेल अशी खात्री आहे। आणि भोजनी साहेबांनी हे काम चांगल्या रीतीने केलेलं, अच्छा कर रहे ये लोग, अभी काम अच्छा है इनका, जैसे सबको सपोर्ट हो रहा है इससे, अच्छा उसके लिए थैंक यू। बहुत अच्छा है, सबको सुविधा मिल रही है, सब लोग ने यूज़ किया है उनका सेवा, इसके लिए उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं सब लोग की तरफ से। हाँ, वैक्सीनेशन जो भी है सहूलत उनसे मिल रही है,
तो सब कंपाउंड से हम लोग सब एरिया से अपना थैंक्स अपने तरह से थैंक्स बोल रहे हैं। आम्हाला जे वैक्सीनेशन झालं त्याच्यावर चांगल्या सुविधा पण भेटल्या आणि चांगलं वैक्सीन पण भेटलं त्यामुळे आणि आता जे कोविडच्या प्रसंगी आम्हाला जे अन्नदान त्याबद्दल पण आम्ही त्यांचा मनपूर्वक आभार मानतो। मैं इनके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा अंगारिक अपार्टमेंट्स में इन्होंने जो किया है अभी तक कोई किया नहीं, इसके लिए इसका मैं इसे 84 से इधर रहता है अभी तक कोई इतना ऐसा काम नहीं किया, बहुत अच्छे मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू धन्यवाद बदल गरीबांना मदत केल्याबद्दल मी भोजने साहेबांचे आभार मानतो। वी आर सेइंग इन अंगारिक अपार्टमेंट एंड भोजने साहब ने व्हाट एवर ही हैज डन फॉर आवर सोसाइटी बाय गिविंग द राशन टू द पीपल वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम एंड मे गॉड ब्लेस हिम। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।